मराठी में संत तुकाराम महाराज कहते हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे कारण। सिर्फ खुश रहने से सब सिद्धियां कैसे आएगी? मन प्रसन्न हो तो सब सिद्धियां आती है, ये तो भाई सच है। हम देखो, हमारी सब पूजा में सबसे पहला श्लोक यही है, शुक्लाम वरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्ति। हम सोच लेते हैं गणपति के लिए लिखा है, शुक्लाम वरदरम माने क्या, सफेद पहने हुए स्वच्छ हो। शुक्लाम वरदरम विष्णु, विष्णु माने क्या, जो व्याप्त है सब जगह वो विष्णु है, जो कण कण में है वो विष्णु। विष्णु कहते हैं, हमारे मन में आता है शंख चक्र लेके खड़े हैं। आंध्रा में तो उनका आंख भी बंद कर दिया भक्तों ने, भगवान तुम देते रहो आंख बंद रखो, आंख पर पूरा त्रिपुंड लगा दी, बालाजी खड़े हैं। विष्णु माने जो चेतना, जो शक्ति कण कण में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है वो विष्णु। जो शुभ्र है और सब जगह व्याप्त है। शशिवर्णम, शशिवर्णम चांद जैसे शीतल प्रकाश देने वाले हो। चतुर्भुजम, जिनका हाथ बड़ा चतुर है, भगवान का हाथ बहुत चतुर हाथ है। चतुर का अर्थ एक ही नहीं है, चार ही नहीं है। चतुर्भुज संस्कृत में चतुर माने वो दोनों अर्थ है, चार भी है और चतुर भी है, निपुण। जिनका चार हाथ है माने निपुण हाथ है। चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम, जिनका चेहरे में प्रसन्नता है उनको ध्यान करो, उनको सोचते ही तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्ति, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। सुबह उठ के प्रसन्नता पर ध्यान दो तो अपने आप जीवन में प्रसन्नता आएगी, सब काम होने लगेगा।